ओके सो जस्ट टू कवर हमने क्या क्या कंप्लीट किया ड्यूरिंग लास्ट आई गेस 30 लेक्चर। सो वी स्टार्टेड विथ पाइथन बेसिक्स। ओके सो स्टार्टिंग में वी डिड वेरिएबल्स वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स राइट। उसके बाद देन वी सॉ व्हाट आर द डेटा टाइप्स बेसिक डेटा टाइप्स क्या थे इंट फ्लोट बुलियन ऑल दोज थिंग्स राइट। एंड देन वी सॉ एक डायग्राम देखा था फ्लो चार्ट। उसमें देर वर 5 टाइप्स ऑफ 5 डिफरेंट डेटा टाइप्स के टाइप्स थे। देन ईच न्यूमरिक में इंटीजर फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स एंड देन सीक्वेंस डिक्शनरी राइट लिस्ट टपल ऑल दोज थिंग्स। देन हमने देखा कि फंक्शंस फंक्शंस के टाइप इनबिल्ट फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शंस राइट लैम्डा फंक्शंस। देन वी सॉ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स लूप्स फॉर लूप व्हाइल लूप। देन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कंट्रोल फ्लो में इफ इफ एल्स एंड एलिफ्स वगैरह राइट। देन वी स्टार्टेड विद द डेटा टाइप इन डिटेल। मतलब हर एक डेटा टाइप हम डिटेल में पढ़ने लगे। डिराइव्ड डेटा टाइप्स जो थे स्टार्टिंग विद स्ट्रिंग देन टपल देन लिस्ट देन सेट फ्रोजन सेट डिक्शनरी। एंड इन ईच ऑफ द डेटा टाइप्स हमने एक सीक्वेंस रखा था एज इन हाउ टू डिफाइन दैट डेटा टाइप कैसे और लिस्ट कैसे क्रिएट करना है टपल कैसे क्रिएट करना है डिक्शनरी कैसे क्रिएट करना है राइट। देन सेकेंड पॉइंट इज हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट इन द लिस्ट और इन टपल डिक्शनरी सेट फ्रोजन सेट जो भी है। मतलब उसके लिए हमने यूज किया था इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग राइट यू रिमेम्बर। तो एक बार क्रिएट कैसे हुआ वो पता चला उसमें एलिमेंट ऐड जो करना है वो हमें पता चला कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। देन वी चेक विद द ऑपरेशंस मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है। मतलब लिस्ट लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू क्या होता है लिस्ट वन इंटू लिस्ट टू क्या होता है लिस्ट वन इंट माइनस लिस्ट टू वगैरह क्या होता है लॉजिकल लिस्ट वन ग्रेटर देन 20 लेस देन इक्वल टू जो भी लॉजिकल ऑपरेटर्स मेंबरशिप ऑपरेटर इन नॉट इन देन इन लिस्ट वन तो ट्रू आएगा फॉल्स आएगा नॉट इन ट्रू एंड फॉल्स राइट। सो वो एक बार इफ वी कवर दैट मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन देन वी कवर द मेथड्स। मतलब हर एक डेटा टाइप पे कौन सा मेथड एप्लीकेबल है सच एज स्ट्रिंग डॉट अपर स्ट्रिंग डॉट लोअर स्ट्रिप एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप राइट। देन लिस्ट में मिन मैक्स सॉर्टेड सम राइट हमने वो देखा सेम टपल के लिए देखा। देन डिक्शनरी सॉरी अगेन विद द लिस्ट आर इम्पोर्टेंट अपेंड पॉप रिमूव एक्सटेंड राइट कंपेयर। सो ऑल दोज फंक्शंस वर देन। देन वी स्टार्टेड विद सेट फ्रोजन सेट एंड लिस्ट डिक्शनरी। उसमें की एंड वैल्यू पेयर विद द डिक्शनरी सेट के लिए डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। देन डिक्शनरी को की यूज करके हमने वैल्यू निकाल लिया उसका की यूज करके हमने वैल्यू ऐड भी किया नॉट ओनली रिमूव बट ऐड भी किया राइट। सो दैट इज अबाउट द डिक्शनरी। देन उसके बाद हमने चेक किया हायर ऑर्डर फंक्शंस। वंस वी कवर्ड ऑल द डेटा टाइप्स इन डिटेल देन वी लुक्ड इनटू और देन वी कवर्ड हायर ऑर्डर फंक्शंस राइट। सो हायर ऑर्डर फंक्शंस और व्हाट आर द हायर ऑर्डर फंक्शंस कैन एनीवन रिमेम्बर। वहां तीन हायर ऑर्डर फंक्शंस थे मैप फिल्टर रिड्यूस मैप फिल्टर एंड रिड्यूस। एंड हायर ऑर्डर फंक्शंस व्हाई बिकॉज दीज फंक्शंस टेक वन मोर फंक्शन एज इनपुट एज आर्ग्यूमेंट और एज अ पैरामीटर आप बोल सकते हो। दूसरे फंक्शन को ये फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट लेता है इसीलिए दिस इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। हम लैम्डा करके पास करते थे लैम्डा एंड देन सीक्वेंस राइट। सो दिस वी यूज टू पास इट ऑन एज इन द फंक्शन विद इन द फंक्शन एज एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट दिस इज इट यूज टू रिटर्न अस अ ऑब्जेक्ट। वेन एवर यू यूज हायर ऑर्डर फंक्शन आउटपुट में आपको ऑब्जेक्ट आता था। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट एट एंड मेमोरी लोकेशन 0x22223 व्हाटएवर लोकेशन भी होता है। और उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे एनी आइडिया।
सॉरी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए वी यूज द लिस्ट, लिस्ट और वो ऑब्जेक्ट पास करते थे, टपल वो और ऑब्जेक्ट पास करते थे, देन वी यूज टू गेट अ कंप्लीट लिस्ट। इसका एडवांटेज मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, जो मेमोरी में 10 वेरिएबल में स्टोर करता था जो डेटा, वो अभी एक ही मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर रहा हूँ एज अ ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो देन इसके बाद देन वी स्टार्ट विद इसके बाद वी स्टार्टेड विद द मॉड्यूल्स एज इन नंपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, वेब स्क्रैपिंग का वेब। नंपाई में हमने क्या देखा? नंपाई में वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हमारा जो डेटा है, जो हमने लिस्ट टपल डिक्शनरी में यूज किया है, दैट इज नॉट कनेक्टेड विद रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स। रियल वर्ल्ड में टेबल्स रहते हैं, रोज एंड कॉलम्स, राइट? तो वो मैं कैसे डिफाइन करूँ वो रिलेशन, मतलब इस रो का इस कॉलम के साथ कैसे रिलेशन बिल्ड करना है। तो इसके लिए फर्स्ट थिंग वी डिड इज वी यूज्ड अ अरे, जो नंपाई का डेटा सेट है। और जैसे हमने डेटा सेट नंपाई का डेटा टाइप है, जैसे हमने बाकी डेटा टाइप्स पढ़े थे, वैसे ही सिमिलर वे में हमने नंपाई का डेटा टाइप पढ़ा। जैसे वी स्टार्टेड विथ अरे को कैसे बनाना है, एनपी इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी, तो एनपी डॉट अरे ऐसे हमने फंक्शन यूज किया था, एंड उसके अंदर वी पास लिस्ट टपल डिक्शनरी है तो डिक्शनरी ऑल दोस थिंग्स वी पास। फिर उसके कैसे एक्सेस करना है, उस अरे का एलिमेंट कैसे एक्सेस करना है, अगेन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग हमने यूज किया था। बट इस टाइम इंस्टेड ऑफ गिविंग वन नंबर, एक नंबर देते थे पहले स्लाइस इंडेक्स करने के लिए, वी यूज्ड रो एंड कॉलम, कहाँ से कहाँ रो देना है, कहाँ से कहाँ कॉलम देना है, दैट वी यूज्ड। देन वी स्टार्टेड अगेन लॉजिकल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, देन फंक्शंस मतलब मेथड्स, अरे डॉट टेक्स्ट और अरे डॉट स्क्रिप्ट, अरे डॉट जो भी, अरे डॉट करके हम मेथड्स यूज करते थे उसके ऊपर, सो दैट वी कवर्ड। एंड देन उसके बाद मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेटर, अरे अरे के मेथड्स, एंड अरे में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमने देखा था कि ब्रॉडकास्टिंग, मतलब अरे का आपने लिखा है अरे एंड देन ग्रेटर देन 30, तो वो 30 हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करता था विद इन दैट अरे, राइट? तो दैट इज हाउ इट लाइक अरे, और हमने ब्रॉडकास्टिंग सीखा। बट उसमें एक कंसेप्ट इम्पोर्टेंट हमने सीखा जो शेप का था, मल्टीपल लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट यूज टू क्रिएट, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट यूज टू हैपन, आप इट इज वेरी इनकन्वीनियंट कि वो कौन से डायमेंशन का अरे बन रहा है, कितने डायमेंशन बनने चाहिए, दैट वी डिडंट हैड एनी रिलेशन। तो इस ये काम सिंपल करने के लिए वी यूज्ड पांडास, पांडास का डेटा फ्रेम, जहां पे डायरेक्टली टेबल दिखता था आपको, राइट? पीडी डॉट रीड सीएसवी, तो डायरेक्टली आपको रोज एंड कॉलम्स में आपने पूरा देखा। सो दैट्स एडवांस, बिकॉज बाय यूजिंग नंपाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो अरे कितने शेप है, साइज क्या है, कौन सा एलिमेंट कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ समझ नहीं आता। सो इसीलिए पांडास, देन पांडास में अगेन पांडास का इंस्टॉलेशन, पिप डॉट इंस्टॉल पांडास, देन पांडास को लाइक हाउ टू ब्रिंग इट इनसाइड योर प्रोग्राम, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, एंड देन आपको एक बार पता चला व्हाट इज द पांडास लाइब्रेरी, देन वी स्टार्टेड कॉलिंग फंक्शंस, राइट? वन बाय वन फंक्शंस, राइट? वन बाय वन फंक्शंस वी स्टार्टेड लर्निंग। पहले तो पांडास के दो डेटा टाइप्स है, वन इज सीरीज, देन डिफरेंट एंड देन डेटा फ्रेम। सीरीज में अगेन सेम, सीरीज को कैसे क्रिएट करना है, पीडी डॉट सीरीज उसके अंदर आप पास कर, राइट? एंड देन सीरीज के ऊपर के ऑपरेशंस, मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, देन उसके बाद सीरीज में से कैसे एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है, सेम इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, तो ये देखा। देन उसके बाद हमने सीरीज को नेक्स्ट सीरीज के ऊपर के फंक्शंस देखे, मेथड्स, सेम वे में क्रिएट करना है, उसके एलिमेंट एक्सेस करना है, उस पे मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस करना है, फिर उसके बाद उसके मेथड्स देखने हैं। यही चार चीजें हमने किया है थ्रू आउट द कोर्स, एनी न्यू डेटा टाइप कम से सेम हमने फिर देखा पांडास का डेटा फ्रेम, उसमें भी यही किया हमने। सो वी स्टार्टेड विद व्हाट डू यू से,
डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, TNF कैपिटल, देन डेटा फ्रेम को एक्सेस कैसे करना है, एंड डेटा फ्रेम के लॉजिकल मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस, देन डेटा फ्रेम के मेथड्स एंड डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम. सीरीज में एक कॉलम आता था, डेटा फ्रेम में मल्टीपल कॉलम्स थे, एज इन इंडेक्स एंड रो जैसे दिखता था, और कॉलम मतलब जैसे एक्सेल में दिखता है सेम पांडास में दिखता था डेटा फ्रेम में, राइट. तो हमने वो यूज किया. देन लिटिल बिट हमने देखा कि क्लीनिंग के मेथड्स क्या रहते हैं, हाउ टू क्लीन द डेटा, राइट, हाउ टू हैंडल द नल वैल्यूज, चार अप्रोच, रिप्लेस, डिलीट, रिमूव. वो सीखते सीखते ही हमने सारी चीजें सीखी. और इम्पोर्टेंट मतलब इफ आई आस्क यू हाउ टू रिमूव द डिलीट्स, एनी वैल्यूज आपको ड्रॉप करना है तो कौन सा फंक्शन लगाना चाहिए पांडास में, ड्रॉप, ड्रॉप एन ए, राइट, ड्रॉप एन ए, ड्रॉप नल, और डुप्लीकेट ड्रॉप करना है तो ड्रॉप डुप्लीकेट, और एन ए है कि नहीं चेक करना है, डी एफ डॉट इन्फो, डी एफ डॉट डिस्क्राइब, राइट, डी एफ डॉट इज एन ए, डॉट सम किया तो आपको समेशन आता था, और डी एफ डॉट इज एन ए करने से वो ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट होता था. इज एन ए मतलब इज मतलब आप पूछ रहे हो तो क्वेश्चन कि आर यू एन ए, है तो यस आएगा नहीं तो नहीं आएगा. सो डी एफ डॉट इज एन ए इतना सिर्फ लिखोगे तो वो ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देगा, एंड उसका ही आपने फिर समेशन लिया डॉट सम करके. सो कॉलम वाइज आपने नल वैल्यूज वगैरह फाइंड आउट किए, राइट, एंड देन यू डिड ऑल दोस क्लीनिंग जो भी स्टेप्स हैं. फिर उसके बाद हमने आखिरी में हमें जो भी हमारे आउटपुट आए हैं उस वो रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, विजुअली ग्राफ वगैरह क्रिएट करना है. सो व्हाट वी डिड, वी यूज्ड अ डिफरेंट लाइब्रेरी सच एज मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन. सो सेम सीबॉन के लिए SNS, मैटप्लॉटलिब के लिए PLT, PLT.bar, PLT.plot, PLT.box, बॉक्स है तो बॉक्स, बार है तो जो आपको प्लॉट करना है उसका नाम, एंड देन यू पास द आर्ग्यूमेंट एक्स वाई. उसके अलावा आपको कुछ बहुत चाहिए तो PLT.legend, PLT.title, PLT.xlabel, PLT.ylabel, राइट, PLT.size, PLT.shape वगैरह पास करना है तो वो भी हमने किया. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द चार्ट्स, हमने वो दो लाइब्रेरी में देखा. देन एट द एंड वी कवर्ड अबाउट द वेब स्क्रैपिंग यूजिंग अ ब्यूटीफुल सूप. सो इट्स कॉल्ड BS4 लाइब्रेरी, ब्यूटीफुल सूप 4, राइट, एंड इन दैट वी अंडरस्टूड हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम वेबसाइट. सो बेसिकली इट नीड्स HTML बैकग्राउंड, एंड हमने एक एक टैग यूज करके हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते थे, राइट. सो दिस इज द इंटायर जर्नी, दिस इज वॉट यू विल नीड स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स. हमने स्टार्ट किया बेसिक्स, कोर पार्ट आप जो यूज करोगे पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, देन वी एंडेड विद द लेस लीस्ट यूजेबल इंफॉर्मेशन सच एज ब्यूटीफुल सूप. मतलब इन फ्यूचर आपको लगा तो यू कैन यूज दैट लाइब्रेरी, राइट. सो दिस वॉज द इंटायर थिंग, एंड वी डिड कवर लॉट ऑफ थिंग्स बिटवीन पाइथन बेसिक्स एंड कंप्लीटिंग ऑल द मॉड्यूल्स. सो ये सारा कंबाइन और दिस ऑल इंफॉर्मेशन कंबाइन करके हम आज एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे विच इज कॉल्ड एक सेल्स एनालिसिस करना है. एज वी आर एनालिस्ट, सो दिवाली का सेल्स है, दिवाली के टाइम पे जो सेल हुआ था तो एक कंपनी का डेटा हमारे पास है, दिवाली सेल्स. तो दिवाली सेल्स, दिवाली सीजन के टाइम पे क्या सेल हुआ, विच प्रोडक्ट वेयर सोल्ड, और मतलब उसका कैसा रिस्पॉन्स था, लोगों ने क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा, नेक्स्ट ईयर के लिए व्हाट आई शुड प्लान करना चाहिए. सो ऑल दोज इंफॉर्मेशन एज अ डेटा एनालिस्ट हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, है ना. सो क्लियर एवरीथिंग, हाउ हाउ वी स्टडीड, हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड, एंड देन द इंफॉर्मेशन. सो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, टू परफॉर्म EDA. EDA इज नथिंग बट अ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. एक्सप्लोरेटरी क्यों, क्योंकि यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट. ऐसा नहीं है ना आपको ये डेटा दिया गया है और फाइंड आउट किस कितना सेल्स हुआ,
क्वेश्चन है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ है क्या कि मुझे इसमें से पर्टिकुलर मंथ का सेल चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या? नहीं, आपको एनालाइज, आपको एक्सप्लोर करना है कि इसमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ. सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ईडीए, राइट? बिकॉज देर इज नो ऑब्जेक्टिव, मतलब ऐसा कुछ डिरेक्शन नहीं दिया गया है आपको, इसीलिए दैट बिकम्स एक्सप्लोरेटरी. एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ऑन सेल्स ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल. सो दिवाली के टाइम पे जो जो सेल्स हुआ है तो उस सेल्स को आपको एनालाइज करना. क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी आर ऑब्जेक्टिव वी हैव सेट एज अ ईडीए. बाय द वे, ऑब्जेक्टिव कैसे ऐसे, मतलब व्हाई इट इज शोइंग इन अ बोल्ड वगैरह, बोल्ड और सम फॉर्मेटिंग दिख रहा है, राइट? सो हाउ वी आर डन, इट्स कॉल्ड अ मार्कडाउन. इफ आई डबल क्लिक, दिस इज हाउ आई कैन क्रिएट. सपोज आई नीड टू क्रिएट अ टाइटल और कुछ टेक्स्ट क्रिएट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इस कोड, ये ब्लॉक जो यहाँ पे जो मैं कोड लिखने वाला था, इसको कन्वर्ट करता हूँ इन मार्कडाउन. कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे देखिए, इसको मार्कडाउन ऐसे सिलेक्ट कीजिए, तो ये हुआ मार्कडाउन. मार्कडाउन मतलब एक फॉर्मेट है, इसमें मैं कुछ भी लिखूंगा हैश के साथ तो ये बोल्ड हो जाता है. 3 हैश, 4 हैश में लिखता हूँ माई नेम, ओके, और रन कर दीजिए. देखिए, दिस बिकम्स अ टेक्स्ट. ये प्रोग्राम कोड नहीं होगा, टेक्स्ट होगा. सो लाइक दिस फॉर्मेटिंग का एक मेथड है, वो मार्कडाउन स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग आप देख सकते हो. एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मार्कडाउन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसमें हैश यूज करने से कैपिटल होता है. ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, एज इन इफ यू गिव समथिंग लाइक दिस, ये बैक कोट के अंदर लिखोगे तो ये कुछ ऐसे होता है, हाईलाइट होता है वो, ये देखिए ऐसे. और यू कैन स्पेसिफाई द एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करना चाहते हो, मतलब लेट मी सी, कोट 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 एसक्यूएल ऐसा लिखूंगा तो इसके नीचे एसक्यूएल के सारा कोड आएगा. ये देखिए, ये जो कोड है वो एसक्यूएल का कोड आएगा, फॉर्मेटिक हो जाएगा उसके एज पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मार्कडाउन इज, इफ यू आर इंटरेस्टेड, फॉर्मेटिंग वगैरह रिलेटेड मार्कअप लैंग्वेज है, नथिंग बट मतलब फॉर्मेटिंग. जैसे सीएसएस है, वेबसाइट को अच्छा फ्लैशी दिखाने के लिए सीएसएस यूज करते हैं, वैसे आपका जो ये कोडिंग है, कोडिंग का रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, यू कैन यूज अ मार्कडाउन लैंग्वेज. चलो, सो विल स्टार्ट विद इम्पोर्ट रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज. आपको क्या क्या लगेंगे, सो ये तो दिस इज वेरी कंपल्सरी, सारे जो भी आप प्रोग्राम करो ये 4 लाइन और ये 5 लाइन कंपल्सरी लिखना ही है, क्योंकि हर टाइम पे आपको नंपाई लगेगा. हाउ यू विल नीड पांडास, यू विल नीड मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन. सो बाय डिफॉल्ट यू ब्रिंग इट, इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी, एंड दिस परसेंट मैटप्लॉटलिब इन लाइन, क्योंकि मुझे इसी ग्राफ में, इसी फाइल में आई नीड टू गेट अ ग्राफ, नहीं तो वो ग्राफ नए विंडो में खुलता है. नया विंडो मतलब ये देखिए, ये वेब गूगल जैसे ओपन हुआ ना, इसमें वो ग्राफ ओपन होता है आउटसाइड माई प्रोजेक्ट. सो टू मेंटेन दैट आई एम राइटिंग दैट लाइन कॉल्ड परसेंटेज मैटप्लॉटलिब स्पेस इन लाइन, देन इम्पोर्ट्स इम्पोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस, राइट? देन विल स्टार्ट. सबसे पहले लाइन क्या होगा, एनालिसिस करने के लिए आपको क्या चाहिए, फाइल, राइट? तो इंपोर्ट कीजिए फाइल, तो फाइल का रीड करना है. कैसे रीड करना है, df डॉट रीड csv ना, सॉरी pd डॉट रीड csv. pd इज, pd का मतलब पांडा. मेरे पास फाइल है दिवाली सेल्स डेटा. CSV. और इसमें मैंने और कई पैरामीटर पास किए हैं. देखिए, लो मेमोरी इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब जो भी मेमोरी है पूरा कंज्यूम कर सकता है. ज्यादा इफ यू हैव वेरी लार्ज फाइल, मतलब 10 लाख 20 लाख रो वगैरह है ना, तो ये लो मेमोरी इज इक्वल टू फॉल्स आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है. इससे क्या होता है ना, मेरा प्रोग्राम एवरी टाइम 10,000 लाइन सिर्फ रीड करता है, उस पर कैलकुलेशन करता है,
फिर आगे का 10,000 लेता है, नहीं तो वो क्या करता है पूरा 2 10 लाख जो भी है और 2 लाख रिकॉर्ड पूरे आपके रैम में लोड कर देता है, तो आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है। सो दैट्स व्हाई यू शुड पास दिस आर्ग्यूमेंट, लो मेमोरी इज इक्वल टू फॉल्स वगैरह, एंड इनकोडिंग इज इक्वल टू यूनिकोड एस्केप। सो ये स्पेसिफिक फाइल टू फाइल रहता है, आप जो दिवाली सेल्स डेटा जो मैंने फाइल रिसीव किया है ये कौन से सिस्टम से रिसीव हो रहा है, मतलब कंपनी में SAP वगैरह सिस्टम्स रहते हैं जो इन्वेंटरी ट्रैक करते हैं, और इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के कई एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल एक ऐप है, उस ऐप से आप डेटा ले रहे हो, तो वो ऐप बनाया गया है जावास्क्रिप्ट नहीं तो जावा, और वो जावा का फाइल जब CSV में कन्वर्ट करता है तो वो इनकोडिंग करता है कुछ टाइप ऑफ इनकोडिंग, तो वो इनकोडिंग आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, नॉट मैंडेटरी डेफिनेटली। आप जब कंपनी में जाओगे कहीं स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आपको बोला जाएगा कि इसका इनकोडिंग अलग है, तो वो आपके हिसाब से वो इनकोडिंग वहां पे लिखना है, गूगल करके मिलेगा नहीं तो आपके सीनियर के थ्रू आपको वो ये सारे डिटेल मिलेंगे इनकोडिंग वगैरह। ओके, तो एक बार आपने दिवाली सेल्स का डेटा डेटा फ्रेम में लोड किया, कैसे रन कर दीजिए, ओके आई हैव नॉट एग्जीक्यूटेड PD, रन 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 दिस फाइल। सो मेरा डेटा फ्रेम बन जाएगा, देखिए लोड कितना टाइम हो रहा है, देखिए इट इज टेकिंग, बहुत टाइम लेता है वो इफ डेटा इज वेरी लार्ज, राइट। देन आई विल स्टार्ट द EDA, सो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। स्टेप वन क्या रहता है, डेटा अंडरस्टैंडिंग, राइट। डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट के स्टेप्स क्या है, एक्सेल, डेटा हाँ डेटा अंडरस्टैंडिंग, देन डेटा फॉर्मेटिंग, राइट, वो सब कुछ, डेटा कंबाइन करना है तो कंबाइन कर दीजिए, देन पिवोट, आपको समरी निकालना है तो क्विक समरी, पिवोट निकालना है तो पिवोट, देन उसके बाद इनसाइट्स देना है, तो सेम वे में हम करेंगे, राइट। डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, तो डेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या यूज करना है मुझे, डेटा अंडरस्टैंड मतलब कितने रोज है, कितने कॉलम है, कितना डेटा है उसमें, कितने NA वैल्यूज है, नॉट NA वैल्यूज है, मीन क्या है, मोड क्या है, एवरेज क्या है, ऑल दिस डेटा अंडरस्टैंडिंग, नो। सो हाउ यू डू इट, df.info प्रेस कर रन कीजिए, राइट। अभी बताइए कितना है, फिर यहाँ पे यूजर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट आईडी, जेंडर, एज, एज, मैरिटल स्टेटस, स्टेट, जोन, ऑक्यूपेशन, प्रोडक्ट ऑर्डर, अमाउंट, स्टेटस, अननेम्ड वन नाम का कुछ कॉलम है, टोटल रोज कितने हैं, 11,251, सो 11,251, और नल वैल्यूज है क्या इसमें कहीं, श्योर, ये देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है, अमाउंट के कॉलम में कुछ नल वैल्यूज है, राइट। 251 होना चाहिए था, 239 है यहाँ पे, एंड अमाउंट नीचे कुछ ये कॉलम है, कौन सा ये स्टेटस, इसमें तो जीरो है, मतलब कंप्लीट नल वैल्यूज है इसमें, राइट। एंड इसका साइज कितना है, 1.3 MB, इंटीजर 64, फ्लोट, अलग अलग डेटा टाइप्स है इसमें, फ्लोट के कितने हैं, 3 कॉलम है, इंटीजर 64 के 4 है, ऑब्जेक्ट के 8 कॉलम है, राइट। देन df.describe, डिस्क्राइब करने से क्या होगा, मीन, मीडियन, मोड, काउंट, मैक्स, मीन, ये सब वैल्यू आपको मिलेंगे। एज में देखिए मिनिमम 12 साल है, मैक्सिमम 92 ईयर्स ओल्ड है, अभी मैक्सिमम 200 300 रहता तो यू कैन इजीली फिगर इट आउट कि डेटा इनवैलिड डेटा है, राइट। दैट्स व्हाई यू शुड नो मीन एंड मैक्स। एवरेज क्या है, 35, ओके। मैरिटल स्टेटस भी नंबर में है, देखिए मैक्सिमम क्या है, 1, मिनिमम क्या है, 0, मीन सम यू नीड टू कोड ये इनको, मतलब हो सकता है कि मैरिड है तो 1 लिखा होगा, अनमैरिड है तो 0, ऐसा कुछ, राइट। ऑर्डर्स कितने दिए हैं, मैक्सिमम ऑर्डर 4 है, मिनिमम ऑर्डर 1 ऑर्डर दिया है, राइट, सॉरी। अमाउंट कितना स्पेंड किया, मिनिमम 188 रुपीज, मैक्सिमम 223,000। स्टेटस सब एन ए एन ए है, क्यों, डेटा ही नहीं है इसमें, राइट, सॉरी।
df डॉट शेप, शेप क्या देता है, रोज एंड कॉलम्स, एग्जीक्यूट कितने रोज है इतने, कॉलम्स कितने इतने। df डॉट हेड, हेड क्या देता है, टॉप 10 रिकॉर्ड्स, राइट। ये देखिए, यूजर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट आईडी मतलब क्या खरीदा है, उनका जेंडर, एज ग्रुप, एज, मैरिटल स्टेटस, ओके, स्टेट, जोन एंड ऑक्यूपेशन। सेम अगेन, df डॉट इन्फो मैंने किया है। देन मेथड वन, हाउ टू बैकअप योर डेटा। पहले तो बैकअप निकाल लीजिए, बिकॉज इफ यू डू समथिंग पूरा डिलीट हो गया तो वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यू कैन बैकअप, कैसे बैकअप निकालना है, शैलो कॉपी, डीप कॉपी, है ना यार। df1 इज इक्वल टू df करूंगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, शैलो कॉपी। और शैलो कॉपी करने से क्या होता है, वीकली, चलो शैलो कॉपी, डीप कॉपी, बैकअप एंड ओरिजिनल कॉपी। क्या हुआ था उस दिन, हमने ये ट्राई किया था क्लास में, हमने मेन ओरिजिनल कॉपी एक था उसका बैकअप निकाला था, और ओरिजिनल कॉपी चेंज किया तो बैकअप भी चेंज हो रहा था, राइट। उसको बोलेंगे शैलो कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। और एक हमने किया था df डॉट कॉपी नाम का एक फंक्शन यूज किया था ये, राइट। सॉरी, तो इससे क्या होता है, मेरा ओरिजिनल कॉपी चेंज हो गया तो भी बैकअप कॉपी चेंज नहीं होता। डेफिनेटली यू नीड टू रिवाइज। तुमचे चेहरे बघून असं वाटतं की कधी ऐकलंच नाही, राईट। सुना है ना ये कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज डेटा फॉर्मेटिंग और डेटा क्लीनिंग, क्योंकि नल वैल्यूज है। फर्स्ट विन इज, इसमें क्या कर सकते हो, नल वैल्यूज को रिमूव कर सकते हो। सेकंड क्या कर सकते हो, नल वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज, ये सब रिमूव कर सकते हो, राइट। देन डेटा फॉर्मेट भी कर सकते हो, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, बट विल सी। पहले ये करके देखेंगे, df कॉलम्स, df डॉट कॉलम्स लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, सारे कॉलम्स, राइट। फिर उसमें से नल कौन से थे, स्टेटस एंड अननेम्ड वन नाम का नल था, तो इसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो कैसे, df डॉट ड्रॉप, जैसे ड्रॉप एन ड्रॉप डिलीट करते थे वैसे सिर्फ ड्रॉप लिखिए और वो दोनों कॉलम को पास कीजिए, राइट। एज अ लिस्ट पास कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मल्टीपल इंफॉर्मेशन, एक ही रहता तो डायरेक्ट पास कर देता, बट मल्टीपल इंफॉर्मेशन, और मल्टीपल इंफॉर्मेशन पाइथन को पास करना है तो कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, लिस्ट, टपल, राइट। क्योंकि एक जो भी ड्रॉप फंक्शन है ये एक वेरिएबल लेता है सिर्फ, और एक वेरिएबल में सिर्फ आपको फिर एक वैल्यू देना है या मल्टीपल वैल्यू पास करना है, सर ये आपके ऊपर है। अभी इस केस में हमें रिक्वायरमेंट है दो कॉलम के नाम पास करने है। तो फिर मैं दो कॉलम के नाम एक लिस्ट में डाल के वो लिस्ट पास कर सकता हूं, क्लियर। देन एक्सेस इज इक्वल टू वन, क्योंकि कॉलम है या रो है वो बताना पड़ेगा ना, जो इंफॉर्मेशन ड्रॉप करना है वो रो में है या कॉलम में है ये पास बताना है। सो एक्सेस इज इक्वल टू वन, यस नो, क्लियर। तो इसके बाद देन इफ आई ड्रॉप df आपको मिलेगा, यू विल सी कि इसके आगे कुछ नहीं है, राइट। ये देखिए गए। अभी मुझे बताइए, इफ आई डू df, मैं df हेड एग्जीक्यूट करता हूँ वापस, ओके, df हेड में देखोगे, अरे ये तो आ गए वापस, स्टेटस एंड अननेम्ड, ये तो ड्रॉप किया था ना आपने। देन क्यों, ये हमने ट्राई किया था, अलग से एक फंक्शन है, फंक्शन है या और कुछ है, या आर्ग्यूमेंट है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, कुछ याद आ रहा है। ओके, आप
ऐसा लग रहा है कि और ये कब हुआ है ना, ऐसा भी हमने कहीं पढ़ा था कि यही देख रहे हैं ना, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ये क्या करता है, ये इस ओरिजिनल डीएफ को चेंज कर देता है ना, नहीं तो मुझे इक्वल टू करके वो डीएफ सेव करना पड़ता था, राइट, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, तो ये मेरा ओरिजिनल डीएफ चेंज हो गया। देन लिस्ट डीएफ डॉट कॉलम करो, ये देखिए इतना क्या आया, सिर्फ अमाउंट आ गया ना इसमें डीएफ डॉट कॉलम्स में, मतलब वो डिलीट हो गए परमानेंटली, राइट। देन हमें नल वैल्यू चेक करना है, डीएफ डॉट इज नल, इज नल मतलब इज इज अ क्वेश्चन और लॉजिकल, इज ट्रू इज फॉल्स, वैसे इज नल, तो डीएफ डॉट इज नल इतना ही रन करूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या आएगा, कैन एनीबडी टेल मी, नहीं लॉजिकल वैल्यूज है ना ये देखिए, इतना ही सिर्फ मैं प्रिंट करता हूं तो क्या होता है, इफ आई एग्जीक्यूट दिस ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि लॉजिकली चेक कर रहा है ना, लॉजिकली पूछ रहा है वो इज नल है या नहीं है, देन आउटपुट में ट्रू एंड फॉल्स आएगा, नल है तो ट्रू, नल नहीं है तो फॉल्स, राइट, यस नो, और इसका मुझे समेशन लेना है, तो ये क्या करूंगा मैं, df डॉट इज नल डॉट सम करूंगा, इफ आई डू दिस जितने जितने ट्रू वैल्यूज है उतना समेशन देगा, अभी मेरे पहले पहले कॉलम में मतलब इन जो यूजर आईडी का कॉलम है इसमें कुछ नल नहीं है और ट्रू कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे आउटपुट में 0 आया है, और यहाँ पे अमाउंट में 12 वैल्यूज ऐसे है कि जिसका आंसर ट्रू आया है इज नल के बाद, सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू, ओके। फिर उसके बाद df डॉट इज नल डॉट सम करने से ये सारे जो आउटपुट में है इनका समेशन होगा, सो इसका समेशन 12 है इज सम, ओके। आप सब लोगों का एटलीस्ट यू नीड टू रिवाइज समथिंग, क्योंकि इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर इंटरव्यू ये तो बेसिक आना ही चाहिए प्रोग्राम का, ओके। वी आर नॉट कवर्ड एनी बहुत ऐसा कुछ हाई लेवल प्रोग्राम किया है ऐसा भी कुछ नहीं, ओके। ठीक है, व्हाट आई हैव डन इज परसेंटेज नल डॉट राउंड एंड देन एज टाइप क्या करता है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, एक बार स्ट्रिंग कन्वर्ट होने से प्लस में कोलन कर रहा हूँ, ये मतलब ये सारे जो वैल्यूज है इन सब वैल्यूज को मैंने कन्वर्ट किया है स्ट्रिंग में और उसमें स्ट्रिंग अटैच कर रहा हूँ, ये देखिए 0.0 0.017 एच, ओके। तो परसेंटेज अंडरस्कोर नल इज वन ऑफ द क्या बोलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इट्स नॉट डिफाइंड एनीवेयर ना, सो आई नीड टू डिफाइन डीएफ को कन्वर्ट करके आई कैन राइट इट डाउन, सॉरी इधर आया है वो प्रोग्राम, परसेंटेज नल, मैंने डीएफ इज नल डॉट सम को लेंथ ऑफ डीएफ से मैंने डिवाइड किया है, मतलब मेरे जितने पूरे कॉलम में जितना वैल्यू है वो लेंथ से पता चलेगा और उस कॉलम में कितने नल वैल्यूज है वो मैं सम करके निकल रहा हूँ, मतलब परसेंटेज डिफाइन कर रहा हूँ और इनटू 100, सो ये क्या होता है परसेंटेज ऑफ नल वैल्यूज, तो इसको फॉर्मेट कीजिए, राउंड करने से राउंड फिगर 3 डिजिट तक राउंड फिगर होता है, जैसे एक्सेल में होता था ना वो 0.00004, आप उसको कम कर सकते थे 0.04 0.02, ऑल दोस परसेंटेज वैल्यूज एडजस्टमेंट करते थे, दैट यू कैन डू यूजिंग राउंड फंक्शन, एंड देन एज टाइप क्या करता है उसको कौन से डेटा टाइप में चाहिए उसमें कन्वर्ट करता है, एंड दिस वी आर अटैचिंग द स्ट्रिंग, इससे क्या आउटपुट आता है, आई गेट सच गुड आउटपुट 0.01, सो इसके बेसिस पे कैन यू टेक अ डिसीजन कि वो नल वैल्यूज डिलीट करना है रिमूव करना है या रिप्लेस करना है, राइट, आइडियली 5% से कम है तो डिलीट करना चाहिए, राइट, अभी तो 0% से भी कम है 0.1%, सो वी शुड डिलीट दिस, तो डिलीट करने के लिए क्या है, ड्रॉप एन ए इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि ये नल वैल्यूज का काउंट है ना, तो ये आप इतने सारे रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो बाय द वे, मतलब ऐसा नहीं कि उसी पर्टिकुलर एन ए वैल्यू को डिलीट कर रहे हो, आप पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो उसका रो,
एंड अगेन डी एफ डॉट ड्रॉप इन्हें करने से होता है, बट आई कैन पास इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू क्योंकि मुझे ओरिजिनल डेटा फ्रेम को डिलीट मॉडिफाई करना है, राइट। रन रन डी एफ डॉट शेप, देखिए कम हो गए रिकॉर्ड भी, ये तो पहले कम हुए, दिस रिकॉर्ड से डिलीटेड ना। देन रिप्लेस द वैल्यू, मे बी आप मीन से रिप्लेस कर सकते हो, मोड से रिप्लेस कर सकते हो, वॉट एवर वैल्यूज यू हैव। अभी डुप्लीकेट है तो कैसे निकालना है, डी एफ डॉट डुप्लीकेटेड और डॉट सम लगाओगे तो यू विल गेट अ समेशन ऑफ ऑल द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। मतलब उसमें सिर्फ डुप्लीकेटेड से क्या आएगा आपको, ट्रू एंड फॉल्स, जैसे इज एन से क्या आता था ट्रू एंड फॉल्स, वैसे डुप्लीकेटेड से वो आएगा। एंड देन डुप्लीकेट ड्रॉप करने के लिए तो यूनिवर्सल ड्रॉप डुप्लीकेट्स, ड्रॉप एन वैसे ड्रॉप डुप्लीकेट्स, बट कीप नाम का फंक्शन में पास कर रहा हूं क्योंकि लास्ट वैल्यू, मतलब मान लीजिए चार डुप्लीकेट है उसमें से लास्ट वैल्यू मुझे रखना है, ऊपर के तीन डिलीट करना है, तो कीप इज इक्वल टू लास्ट। मतलब कीप मतलब क्या रखना है, कीप इज इक्वल टू फर्स्ट किया तो फर्स्ट वैल्यू रखेगा, नीचे के तीन डिलीट करेगा। डुप्लीकेट है तो उसको बताना पड़ेगा ना कौन से डुप्लीकेट को रिमूव करना है, और सिर्फ ड्रॉप डुप्लीकेट करने से ही विल चूज द डिफॉल्ट वन, फर्स्ट वन। और यहाँ पे मैंने किया तो अभी ये चेंजेस हो जाएंगे क्या, ड्रॉप मतलब मैं जो भी मॉडिफाई कर रहा हूँ इसको सेव करना है तो मुझे क्या आर्गुमेंट पास करना पड़ता है, इसमें इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, राइट। ड्रॉप डुप्लीकेट सिर्फ व्यू में होता है तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू भी पास करना पड़ेगा, राइट। और बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि ये जो हमने किया अभी डेटा क्लीनिंग, तो उसके रीजंस आप नीचे बता दो, ड्रॉप डुप्लीकेट्स क्यों किया, ड्रॉप एनए क्यों किया, आपने जो पूरे दो कॉलम क्यों हटाए, सो यू नीड टू एक्सप्लेन इट। अच्छा होता है कि नीचे आप एक्सप्लेन करके रखो, और एक्सप्लेन कैसे करोगे फिर, ये तो कोड है, इसको मार्कडाउन में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन करना है, राइट। लाइक टू क्रिएट वन फील्ड, यहाँ पे इसको मार्कडाउन कीजिए, देन यहाँ पे लिखिए वी डिड दिस स्टेप बिकॉज ऑफ डैश डैश रीजन, और रन कीजिए, देखिए ऐसे वो कमेंट लिख के आता है नीचे। इससे क्या होता है कि जो पढ़ रहा है कोड उसको समझ में आता है, मतलब आप ही को समझ में आएगा, कंपनी में 1 महीने के बाद वो क्यों किया यही समझ नहीं आता आपको। हर बार प्रोजेक्ट्स रहते हैं, अलग अलग काम रहता है, तो सब कुछ याद रखना इज नॉट पॉसिबल। देन नेक्स्ट वन इज और देर इज वन स्मॉल लाइक छोटा टॉपिक है विच इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन, और नथिंग बट जो हमने किया है फॉर डेटा फॉर्मेटिंग। जैसे एक्सेल में हम कॉलम को सिलेक्ट करके फॉर्मेट कॉलम, टेक्स्ट फॉर्मेट कॉलम, जो भी हमारा डेट रहता है तो डेट फॉर्मेट कॉलम, नंबर रहता है तो नंबर, परसेंटेज परसेंटेज, ये भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, और थोड़ा एडवांस लेवल पे कर सकते हैं, राइट। मतलब मान लीजिए आपके जो अमाउंट है और आपका ऑर्डर क्वांटिटी है वो इस दोनों डेटा के बीच में है क्या, देखिए -127 और 127 और वन -128 इन इस दोनों के बीच में है, तो आप उसको इंटीजर 8 नाम का डेटा टाइप दे सकते हो ना डायरेक्ट। इससे क्या होगा, आपका मेमोरी बचेगा, मेमोरी मतलब 1 बाइट का मेमोरी लेगा वो। बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या करता है, INT डेटा टाइप दे देता है। INT में कितना वैल्यू स्टोर होता है देखिए, ये 92 करोर्स एंड करोर, दो बार 92 करोर आ जाता है उसमें, इतना वैल्यू स्टोर कर सकते हो एक इंटीजर में बाय डिफॉल्ट जो पाइथन देता है, बट वो इतना यूजफुल है क्या। अपना आप अपने मिन मैक्स देखा है तो उसके हिसाब से मॉडिफाई करो, डेटा फॉर्मेटिंग करो, यू कैन डू दैट, राइट। देर इज सो व्हाट आई कैन डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड आउट करता हूँ कि इसमें से न्यूमेरिकल कौन सा है,
और टेक्स्ट वाले कौन से कॉलम है, मतलब जिस कॉलम में नंबर्स है ना वो सिर्फ मैं निकाल लेता और उनको ही फॉर्मेटिंग करता। ओके, सो कैसे निकालना है देखिए। df डॉट कॉलम में तो आपको पता है लिस्ट आता है कॉलम्स के, तो हर एक कॉलम मैंने उठा लिया। फॉर कॉलम इन df डॉट कॉलम्स, ओके, और इफ df डॉट कॉलम का डेटा टाइप नॉट इक्वल टू कैपिटल ओ, कैपिटल ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मुझे वो डेटा फ्रेम और उस कॉलम का नाम मुझे एक लिस्ट में बना के दो, राइट। सो दिस इज हाउ यू यूज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इन पांडास, राइट। ये डेटा फ्रेम के ऊपर कैलकुलेशन है df डॉट कॉलम, और उस कॉलम का डेटा टाइप आप ढूंढ रहे हो। डेटा टाइप ऑफ उस कॉलम का कैसे ढूंढते हैं, ऐसे ढूंढते हैं ना, df, फिर मैं कॉलम का नाम पास कर रहा हूँ और उसका डॉट d टाइप से मुझे डेटा टाइप मिलता है, और वो डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब क्या है, फ्लोट, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, वो मुझे चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे निकाल के लिया। देखिए फीचर का नाम, राइट। एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस कोड, यूजर आईडी, एज, मैरिटल स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस, अमाउंट, कितने कॉलम में न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है ये पता चलता है। ओके, सो सिमिलरली मैंने फिर उसके बाद मिन मैक्स के वैल्यू फाइंड आउट किए। मिन मैक्स कैसे, df डॉट वो कॉलम का नाम डॉट मैक्स, राइट, सीरीज, दिस इज नथिंग बट मान लीजिए मुझे पूरा टेबल है उसमें से सिर्फ अमाउंट कॉलम बाहर निकालना है, तो इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, याद है कुछ, डेटा फ्रेम इज इक्वल टू डिक्शनरी, ये याद रखिए। डिक्शनरी में कैसे करते थे, डिक्शनरी का नाम और की पास कर सकते, तो ऐसे ही डेटा फ्रेम और उसका की मतलब कॉलम का नाम, ये पास करने से मुझे वैल्यू आएगा। उसके ऊपर मैथ फंक्शन रन कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि यूजर आईडी कॉलम में मैक्स ये है, मिन ये है, एज कॉलम में मैक्स 92 है, मिन 12 है, राइट। लाइक दिस वी यूज टू फाइंड आउट। फिर उसके बाद एंड वगैरह यूज करके देन यू कैन फाइंड आउट, और उसके बाद यू नीड टू चेंज द डेटा टाइप। डेटा टाइप कैसे, डीएफ अमाउंट है कॉलम मैंने एक्सट्रैक्ट किया एज अ डेटा टाइप और उसको फ्लोट 32 कर दिया, क्योंकि वो फ्लोट 32 के रेंज में आता है, इंट 8 के रेंज में ऑर्डर्स आते हैं, तो इंट 8 एज टाइप नाम का जो फंक्शन है ये क्या करता है, जो ऑर्डर्स और जो ऑर्डर का कॉलम है उसका डेटा टाइप चेंज कर देता है। क्या हुआ, डेटा फॉर्मेटिंग जो एक्सेल में हम करते थे। इफ यू एग्जीक्यूट देन df डॉट इन्फो से चेक कीजिए, देखिए एज मेरा हो गया इंटीजर 8, मैरिटल स्टेटस हो गया इंटीजर 8 क्योंकि 0 और 1 थे, राइट, ऑर्डर्स हो गया इंटीजर 8, अमाउंट हो गया फ्लोट 32, बाकी ऑब्जेक्ट वगैरह वैसे ही है। अभी इसका मेमोरी देखिए, पिछली बार कितना था 1.3 MB, अभी कितना है 900 KB, सो 300 MB, हम 300, हाँ 300 KB हमने यूज रिड्यूस किया पर 10,000 लाइन। इमेजिन करो करोड़ में लाइन रहते हैं तो कितना मेमोरी कम होते रहते हैं, राइट। तो इसलिए सारी चीजें करना इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू रीनेम समथिंग, df डॉट रीनेम, आपको रीनेम करना है तो रीनेम, जैसे ड्रॉप करना है तो ड्रॉप, वैसे रीनेम करना है तो रीनेम। रीनेम क्या करना है, कॉलम्स, कॉलम पुराना नाम नया नाम एज अ डिक्शनरी आपको भेजना है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, हेलो, हाँ ओके, देन df डॉट डिस्क्राइब रीनेम हुआ है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं, और यू कैन यूज डिस्क्राइब फंक्शन ओनली फॉर 3, मतलब df कंप्लीट डिस्क्राइब के बाद यू कैन ऐड लिमिटेड कॉलम्स के ऊपर डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल सी कि प्लॉट ड्रॉ करके वेदर व्हाट इज द एनालिसिस, एज इन कितने जेंडर है,
जेंडर वाइज और अमाउंट वाइज और जो भी उनका लाइक प्रोफेशन वगैरह है, प्रोफेशन वाइज विल सी द डेटा sns.bar plot x gender, और डेटा में डेटा फ्रेम में पास कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जेंडर का प्लॉट निकलेगा, देखिए जेंडर, बट आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, तो दे दीजिए pl.bar टाइटल एक्स लेबल वाई लेबल वगैरह। सो ऑल दिस इफ यू गिव, यू विल सी द डिफरेंट जेंडर वाइज आपको डेटा मिलेगा। जेंडर वाइज यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन, एफ एम इतने इतने अलग अलग काउंट्स। ओके, हिस्ट प्लॉट वगैरह दे सकते हो। हिस्टोग्राम मतलब फीमेल के रिकॉर्ड ज्यादा है, मेल के कम है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट? और सेल्स जन मेल के कितने अमाउंट है, फीमेल का कितना अमाउंट है, दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड इट आउट। ग्रुप बाय कीजिए, ग्रुप बाय जेंडर मतलब हर एक जेंडर के लिए कितना अमाउंट हुआ है, एंड उसका समेशन लोगे तो अमाउंट का समेशन आ जाएगा, जेंडर मेल एंड फीमेल, फिर उसके आगे अमाउंट और उसका समेशन, और वो सम सॉर्ट भी कर सकते हो आप, वैल्यूज सॉर्ट बाय अमाउंट, असेंडिंग है तो असेंडिंग, डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग, एंड देन ये सेल्स जेन डायरेक्टली यू कैन प्लॉट, आप प्रिंट कर सकते हो यूजिंग अ बार प्लॉट। बार प्लॉट में एक्स वाई एंड डेटा में सेल्स जनरेशन डेटा यू कैन पास इट ऑन, दिस इज हाउ इट लुक्स। जेंडर में फीमेल एंड मेल, अमाउंट में ये टोटल समेशन ऑफ ऑल द अमाउंट, क्योंकि हमने यहाँ पे सम किया है। ग्रुप बाय से क्या होता है, एसक्यूएल में ग्रुप बाय से क्या होता है, उतने कॉलम रहते हैं ना, इफ यू डू ग्रुप बाय, यूनिक रिकॉर्ड्स आपको दिखते हैं ऑन द राइट साइड, एंड लेफ्ट साइड में उसके वैल्यूज आ जाते हैं, तो वैसे ही सेम यहाँ पे कर सकते हो आप। और उसका ग्राफ निकालना है तो sns.bar plot, फीमेल मेल और उसके वैल्यूज। सेम आई कैन डू विद द एज ऑल्सो, मतलब काउंट प्लॉट, देर इज जैसे हिस्टोग्राम करते हैं वैसे भी काउंट प्लॉट करके वो डायरेक्टली काउंट देता है आपको, मतलब जेंडर वाइज काउंट चाहिए आपको तो जेंडर वाइज देगा, जो भी कॉलम में कितने कितने यूनिक वैल्यूज है उनका काउंट चाहिए तो दैट यू कैन पास इट ऑन sns.count plot। डेटा टेक्स में क्या चाहिए, ह्यू जेंडर मतलब कलर वाइज, राइट? इफ यू एग्जीक्यूट कलर तो 26 to 35 ईयर्स में कितने मेल है कितने फीमेल है, कितने मेल है कितने फीमेल है, ऑल दिस यू कैन एक्सपेक्ट, मतलब यू कैन प्रिंट द रिकॉर्ड्स। सेल्स डॉट एज जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, सेल्स ऊपर वी हैव क्रिएटेड एज, राइट? सो सेल्स दैट्स व्हाट वी आर प्रिंटिंग, सॉरी हियर सेल्स एज, df डॉट ग्रुप बाय, एज ग्रुप मैंने लिखा है एंड देन एज इंडेक्स फॉल्स, और अमाउंट लिया है एंड देन उस अमाउंट का सम लिया है, शॉर्ट ऑब्वियसली शॉर्ट वैल्यूज। इफ आई रन यू कैन सी हर एक एज ग्रुप में कितना खर्चा किया है, उसका बार चार्ट आई कैन प्लॉट, और वो डिसेंडिंग किया है इसीलिए वो आपको अच्छे से दिख रहा है हाई टू लो, राइट? और इससे बोल सकते हैं कि 26 to 35 एज ग्रुप में जो लोग है दीज आर आवर बायर्स, हमारे मैक्सिमम जो कस्टमर आ रहे हैं 26 से 35 उनका एज है द ग्रुप, राइट? अभी स्टेट वाइज एनालिसिस करेंगे, मतलब कौन से स्टेट से ज्यादा कस्टमर है, तो स्टेट वाइज आप एक डेटा फ्रेम बनाइए, कैसे, ग्रुप बाय स्टेट एंड देन ऑर्डर्स, फिर ऑर्डर का समेशन। सो इफ यू डू दैट यू विल गेट हर एक स्टेट में कितने कितने ऑर्डर आ रहे हैं, सो यूपी में मैक्सिमम है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, सो स्टेट वाइज यू विल गेट अ डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ। तो इसमें से आप बोल सकते हो फ्रॉम द अबो ग्राफ वी कैन सी दैट द मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स एंड टोटल सेल्स अमाउंट आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, ये तीन स्टेट में आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, राइट? ये सिर्फ एवरीथिंग वी हैव डन इन एक्सेल, सेम थिंग आपको पाइथन यूज करके करना है इफ द वॉल्यूम इज ग्रेटर, और दैट्स व्हाट वी आर सीइंग इट हियर। आरसी पैरम वगैरह सेट किया है मैंने, देखिए, एंड दिस बार्स के लिए कंटेनर्स एंड देन उसके लिए आई एम गिविंग अ लेबल्स, हर एक बार का लेबल सेट करना है तो आई नीड टू यूज दिस कोड। अभी ये क्या है, ax डॉट कंटेनर्स, मतलब हर एक
एक्सिस का मैं कंटेनर निकाल रहा हूँ, उस कंटेनर को मैं बार का लेबल दे रहा हूँ यूजिंग पार्स फॉर लूप, मतलब आई विल टेक दिस एज वन कंटेनर, दिस एज वन कंटेनर, फिर उसका टाइटल क्या होना चाहिए, उसका एक्सिस टाइटल क्या होना चाहिए, दिस आई कैन डिफाइन। देखिए, सो मैरिटल स्टेटस, 0 मतलब अनमैरिड एंड 1 मतलब मैरिड, तो 1 वाले कितने ऑर्डर आए हैं, 4721 अनमैरिड, तो मेरे स्टोर में लोग आ रहे हैं 26 से 35, उसमें भी अनमैरिड है मैक्सिमम जो 6,000, राइट, और मैक्सिमम अमाउंट एवरेज अमाउंट, और ये सारा ट्रेंड कहाँ से, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो अभी पता चला आपको यूपी के लोग हैं अनमैरिड है, उनका एज ग्रुप 26 से 35 है, सो लाइक वाइज यू नीड टू टारगेट देयर ऑडियंस, मतलब यूपी का जो फेस्टिवल रहता है उस फेस्टिवल में आपको कुछ प्रमोशनल ऑफर वगैरह देना पड़ेगा इसके हिसाब से फिर, राइट, देन वील सी दी सेम, उसको जो हमने मैरिड और अनमैरिड किया है उसको ब्रेक किया है यूजिंग मेल एंड फीमेल, मतलब मैरिड में फीमेल, अनमैरिड में फीमेल, उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, मैरिटल स्टेटस कॉमा जेंडर के ऊपर मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ, दो दो फील्ड के ऊपर ग्रुप बाय कर रहा हूँ, देन अमाउंट, फिर उसका समेशन। ओके, फ्रॉम द अबो ग्राफ वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द बायर्स आर मैरिड और वो भी वुमन है एंड दे हैव अ हाई परचेसिंग पावर, मतलब यूपी अनमैरिड फीमेल एंड एज ग्रुप 26 से 35, सो ऑल दिस डेटा पॉइंट आपको मिला है, इसके ऊपर आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो, दिस इज नथिंग बट डेटा एनालिसिस, तो इसके ऊपर ही आपको फिर इंसाइट्स देना है कैसे खर्चा करना है, कहाँ पे है, अभी फिर ऑक्यूपेशन के ऊपर थोड़ा एनालिसिस करेंगे, कौन कौन से कंपनी में काम करता है, कौन से इंडस्ट्री में है, ये देखिए हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, सेम ग्रुप बाय डायरेक्टली, मैंने तो आई एम यूजिंग अ काउंट प्लॉट बट यू कैन यूज अ ग्रुप बाय ऑल्सो, ग्रुप बाय ऑक्यूपेशन और अमाउंट के ऊपर मुझे ग्रुप बाय करना है एंड सम करना है, राइट, इफ आई एग्जीक्यूट आईटी, हेल्थ केयर, ऑटोमेशन, बैंकिंग, उसके हिसाब से आई कैन डू अ सॉरी आई कैन यूज ऑल दिस फंक्शंस। प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज आप भी कर सकते हो, प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, उसमें कितना अमाउंट खर्चा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग एसएनएस मतलब ऑटो हैंड, पावर, टप्परवेयर, फर्नीचर, फूड, फूड पे सबसे ज्यादा है 2490, राइट, देखिए फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन प्रिंट, देन प्रोडक्ट आईडी वाइज है, सेम कोड है, आई हैव नॉट चेंज द कोड, ग्रुप बाय कर रहा हूँ किसके ऊपर ग्रुप बाय करना है और आउटपुट में क्या चाहिए, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इट, प्रोडक्ट आईडी वाइज मतलब ये आईडी जो भी आईडी रहेगा इसका, तो उसके हिसाब से आई एम डूइंग अ एनालिसिस हियर, राइट, सो फाइनल कंक्लूजन इफ आई वांट टू से मैरिड वुमन एज ग्रुप 26 to 35 फ्रॉम यूपी महाराष्ट्र कर्नाटका वर्किंग इन आईटी हेल्थ केयर एंड एविएशन आर मोर लाइकली टू बाय योर प्रोडक्ट, और कौन से प्रोडक्ट, फूड, क्लोथिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अभी आपके स्टोर में फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स रखना है, वो भी ऐसे लोगों के लिए जो सिंगल है, यूपी महाराष्ट्र से है, एज ग्रुप है 25-25, राइट, तो ऐसा ही आपको स्टॉक बनाना पड़ेगा, मतलब ऐसा आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा, सो दिस इज नथिंग बट हाउ वी आर डूइंग अवर डेटा एनालिसिस, सेम कैन बी डन यूजिंग एक्सेल, यस, बट वॉल्यूम ऑफ डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, कैसे हैंडल करना है सिचुएशंस, क्लियर, सो दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट यू कैन ऑल्सो रेफर, ये प्रोजेक्ट है ऑलरेडी अवेलेबल इन द ग्रुप, तो आप एग्जीक्यूट करके यू कैन ट्राई वेदर इट वर्क्स और नॉट, वेदर यू आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारे पास सर्वर का भी डेटा है, सर्वर पे प्रोजेक्ट है जो एनएमडी का ऑफिशियल वो इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोजेक्ट, सो बट द कंडीशन इज टू एक्सेस दैट सर्वर एंड टू गो थ्रू ऑल द प्रोजेक्ट यू शुड सबमिट पावर बी आई एंड एक्सेल का प्रोजेक्ट, ओके, यू शुड सबमिट ऑल द प्रोजेक्ट्स, कंप्लीट टेक्निकल इंटरव्यू, क्लियर एचआर इंटरव्यू, इफ यू कंप्लीट ऑल दीज थ्री थिंग्स, ऑल द पैरामीटर्स, फिर
आपको हम ऑफलाइन में वी कैन हैव कनेक्ट एज इन विल कनेक्ट इन द ऑफलाइन देन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द प्रोसेस, मतलब सर्वर को कैसे कनेक्ट करना है और एक दो तीन प्रोजेक्ट है वो वी कैन हैव इन डिटेल एक्सप्लेनेशन एज इन ये पाइथन रिलेटेड पावर बी आई पाइथन एक्सेल आपका यू नीड टू क्लियर राइट। एसक्यूएल का आई डोंट थिंक सो इन योर ग्रुप एनीवन कवर्ड, अभी सिंह हैज कवर्ड एसक्यूएल बट अपार्ट फ्रॉम दैट नोबडी हैज कवर्ड, सो प्लीज डू कवर ऑल दोस थिंग्स देन वी विल मीट अगेन टू कनेक्ट विद द सर्वर एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द डेटा एंड थोड़ा प्रोजेक्ट। सो विद दिस वुड लाइक टू कंक्लूड और जो भी कंप्लीट पाइथन का हो गया। ओके सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।